हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू टुडेज़ करंट अफेयर्स सेगमेंट। देखिए, आज के करंट अफेयर्स सेगमेंट में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। किसके? तिब्बत की हिस्ट्री की बात करेंगे कि कैसे लामास के पोस्ट आए, उससे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तिब्बत कैसे बना, लामा है क्या, ये किस तरह चूज़ किए जाते हैं, जो करंट लामा हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री, इन सब के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। और 1934 से अभी तक ये हैं, इनकी क्या सिचुएशन है, कैसी लाइफ हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, लामा जो है तिब्बत वर्ड है, जो ब्ला माँ से बना हुआ है, सुपीरियर वन। तिब्बतन बुद्धिज्म जो है वहाँ पे एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह एक्ट करते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में गौतम बुद्धा थे, वैसे गौतम बुद्धा जब गए तो उसके बाद हर एक बंदे अपना रिलीजियस हेड की पोस्ट बनी, कई सारी ब्रांचेज में बुद्धिस्ट बट गए बेटा, सेवरल ब्रांचेस बुद्धिस्ट की बन गई जो इसके लिए काम कर रही थी। तो जो बुद्धिस्ट की सेवरल ब्रांचेस बनी उनसे रिलेटेड है। जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट थे वहाँ पर जो ब्रांच बनी उसको बोला जाता है तिब्बतियन बुद्धिज्म। और इसका संस्कृत का वर्ड अगर देखेंगे तो गुरु, गुरु से लिया गया, मतलब वन रेबल वन, बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं। और ये हेड ऑफ़ द मोनेस्ट्रीज होते थे और ग्रेट टीचर होते थे, बहुत महान अध्यापक होते थे। और आज कर्टेसी इनकी ये है कि एक मॉन्क और प्रीस्ट बन चुके हैं, एक वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट हेड हैं। वेस्टर्न रेस में लेमिनिज्म और लेमिज एक फैक्ट है, इनकरेक्ट टर्म है तिब्बतियन बुद्धिज्म का और तिब्बतियन मोनेस्ट्री का। कुछ लीडर ये कहते हैं बेटा, कुछ लामाज ऐसे हैं जिनको री इंकारनेशन माना जाता है प्रिसाइडर्स का, मतलब जैसे जो ए लामा थे इनकी डेथ होती है तो फिर बी लामा, सी लामा, तो ये कहा जाता है कि इन्हीं के थ्रुआरा इन्हीं का इनकारनेशन है। तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है स्प्रुल सुकू लामाज। स्प्रुल सुकू मतलब डेवलप्ड लामाज, जिसे विकसित किया जाता है। रिस्पेक्टेड होते हैं क्योंकि हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है इनका, और प्रेजेंट से लेकर लाइफ टाइम तक फिर वही रहते हैं, हाईएस्ट लीनिएज है। री इनकारनेटेड लामाज हैं इसमें, है ना, उसमें दलाई लामा बोला जाता है जो अभी हमारे पास हैं। 1959 से वह एग्जाइल में हैं और आज तिब्बत का रूल इंडिया से चला रहे हैं। इसके बाद बने टाइटल इज गिवन टू द हेड ऑफ डोमिनेंट ऑर्डर ऑफ तिब्बत बुद्धिस्ट, जो इनको दिया जाता है उसको बोलते हैं दैग लुक्स पॉ, है ना, येल्लो हैट सेक्ट बोला जाता है जो यहाँ पर ऑर्डर है तिब्बत में। ये फिजिकली मैनिफेस्टेशन होता है कंपेशन का, बोधिसत्वा बोला जाता है, बुद्धा टू भी, बोधिसत्वा मतलब जो बुद्धा बन सकते हैं, है ना। अवलोकेतेश्वरा भी बोला जाता है इन्हें, तो इसके बाद बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा ये इनका नाम होता है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट लाइन ऑफ सक्सेशन होती है पेंचन लामा, जो होते हैं टिसमेपू मोनेस्ट्री होती है उसमें, और इनको बुद्धा अमिताभ बोला जाता है, ठीक है, मैनिफेस्टो बुद्धा अमिताभ का ये यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लामाज हैं कई हैं ऐसे सेंट टीचर हैं, है ना, उनकी रैंक दी जाती है। तो आइडियली ओरिजिनेटेड जो हैं, अगर ट्रेडिशन की बात करें तो 18 महासिद्धाज हैं जो यहाँ पर पाए गए, उसी मैनिफेस्टेशन से निकलते हैं। कुछ ये एक्सेप्ट करते हैं कि बुद्धास बिलीव इन रीबर्थ, बुद्धा रीबर्थ में रहते तो अर्लीस्ट से जो मरते हैं वो फिर से रीबर्थ लेते हैं। रीबर्थ में टेक प्लेस एट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, फ्रॉम डेज टू ईयर्स, आज भी या कल भी। तो डेथ ऑफ द प्रीवियस लामाज द स्टेज ओरिकल नांगचू, ठीक है, इसे नाचुंग बोलते हैं, कहना वेयर बोर्ड्स होती है न्यूली बॉर्न दलाई लामा जहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जहाँ पर दलाई लामा को रखा जाता है उस प्लेस का ये नाम है। दलाई लामा अपनी डेथ से पहले, है ना, अब ये बता देते हैं इंडिकेशन ऑफ अ फेवर्ड प्लेस फॉर रीबर्थ, ये बता देते हैं कि मैं इस जगह पैदा होऊंगा। एज दे आर अनयूजुअल साइन दे आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग देयर डेथ एंड ड्यूरिंग द बर्थ डे वर अब। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई मैं ए प्लेस पे पैदा हुआ था, मैं अब बी प्लेस पे पैदा होऊंगा, तो जो इनके साइंस होंगे, जो इन्हीं को पता होंगे, वो साइंस न्यू रीबर्थ में भी दिखने चाहिए। तो कुछ ऐसा भी होता है रीबर्थ का, अगर कोई प्लेस बता देंगे तो लामाज ढूंढने के लिए उस प्लेस की भी स्कार्सिटी बढ़ जाती है, बहुत सेक्रेट प्लेस मान दिया जाता है, सेक्रेसिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट होते हैं जो क्रिटिकल फिजिकल मेंटल एग्जामिनेशन देते हैं, 2 से 3 कैंडिडेट ढूंढे जाते हैं, वो मेंटल फिजिकल एग्जामिनेशन देते हैं और पर्सनल बिलोंगिंग जो हैंडल करते हैं प्रीवियस लामा की उस पर दिखाया जाता है। अगर कोई डाउट होता है किसी पे भी कि, तो है ना, जो लॉट्स हैं वो ड्रॉन कर लिए जाते हैं। आफ्टर दिस सिलेक्शन ऑफ यंग चाइल्ड इज गिवन एक्सटेंसिव मोनेस्टिक ट्रेनिंग, उसके बाद जब उसे पकड़ लिया जाता है वो श्योर हो जाता है कि अगले दलाई लामा यही बनेंगे, तो इन्हें मोनेस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं पर एक ट्रेंड होते हैं। और ईयर ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन के बाद इनकार्नेटेड लामा बन जाते हैं और उन्हें फिर इस सीट पे अपॉइंट कर दिया जाता है। पहले दलाई लामा जो आए थे वो बेटा आए थे 1391 में, ठीक है।
इसके बाद 1475 में, फिर 1543 में, ठीक है। देखिए इन सब का नाम दलाई लामा ही होता है, इनका रियल नाम यहाँ लिखा हुआ, ये आप देख लीजिए, यही सारे इनके नाम होते हैं। फिर फोर्थ आए, फिर फिफ्थ आए, फिर सिक्स आए, फिर सेवन्थ आए, फिर एट्थ आए, फिर नाइन्थ आए, फिर टेंथ आए, फिर इलेवेंथ आए, फिर ट्वेल्थ आए, फिर थर्टीन आए, अब जो हैं वो तेंजिन ग्यासातो हैं। 6 जुलाई 1935 को पैदा हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 1935 को पैदा हुए थे और आज भी ये हैं। 2 फरवरी 1940 से ये पोस्ट पर हैं और 1950 को ये डीफैक्टो बने थे। यहाँ पे सब होता है डी जी ओ और डीफैक्टो, मतलब इनकी पावर बढ़ गई और अभी भी अलाइव हैं, अभी इनकी डेथ नहीं। ये 17 दिसंबर 1933 को मरे थे, इनको पोस्ट मिलती है 1950 से, रियल पोस्ट पे बैठे हैं, उससे पहले नहीं थे क्योंकि एज भी काउंट की जाती है। आज यही दलाई लामा है जो जीवित हैं और इन्हीं की वैल्यू है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज दलाई लामा जो हैं वो है ना, अगर टेम्पोरल रूलर की बात करेंगे तो वो फोर्थ हैं, फिफ्थ हैं, है ना, और फिफ्थ दलाई लामा जो थे वो फर्स्ट मोनार्क बने थे और लास्ट जो थे वो दलाई लामा ये हैं, ठीक है। फॉर्मेशन हुई थी 1642 में, एबॉलिशन हो गया, 7 पॉइंट एक्टिव एग्रीमेंट हुआ था 23rd में 1951 में, उसके बाद। और इनका जो रियल में था वो पोटला पैलेस है, बहुत सुंदर पैलेस है, अभी आपको आगे दिखाएंगे, यहाँ रहते थे, अब यहाँ पर रिजाइडिंग इनकी नहीं है क्योंकि यहाँ से मूव कर चुके हैं। अब तिब्बतन प्लेटू है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वो, है ना, तिब्बत की किंगडम जो थी जैंगजुंग थी, है ना, 500 BC से चली, बट इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। मिथिकल अकाउंट मिलते हैं, यारलुंग डायनेस्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। फिर यहाँ पर बुद्धिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, जब बुद्धिस्ट यहाँ से आया 6th सेंचुरी में, वहाँ से तिब्बत एम्पायर की डायनेस्टी रियल में हमें दिखती है, ठीक है। इसके बाद एम्पायर डिसोल्यूशन हुए 9th और 10th सेंचुरी में, बुद्धिस्ट फिर आए 10th 12th सेंचुरीज में, डेवलपमेंट इनका 3-4 मेजर स्कूल हो गए बुद्धिस्ट के, तिब्बतन बुद्धिज्म के, तो कहा जाए 6th सेंचुरी से डेवलप करते हुए 12th सेंचुरी तक ये प्रॉपरली डेवलप हो चुके थे उस जगह पर। उसके बाद मंगोल एम्पायर था वहाँ पे, ठीक है, जिसे युआन डायनेस्टी बोलते हैं, जब ये युआन डायनेस्टी वहाँ से ख़त्म होती है, उसके बाद इफेक्टिकली वे 14th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट डायनेस्टी अपनी क्रिएट कर देते हैं और 300 साल तक रूल करते हैं। 17th सेंचुरी में सीनियर लामा ऑफ गुलेंग स्कूल दलाई लामा होते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं पहली बार। 18th सेंचुरी में क्विक डायनेस्टी फोर्स करती है, कंकर करती है टेम्परेरी को, हॉकिंग टेरिटरी फॉल का है ना, और जब तक इनकी टेरिटरी फॉल नहीं होती, इट वॉज रूल्ड बाई डोगरा डायनेस्टी। इसके बाद लास्ट रूलर ऑफ तिब्बत महाराजा तिब्बत वॉज महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह ने रूल किया था, जो जम्मू कश्मीर के रूलर थे और ये पार्ट था जम्मू कश्मीर का 1947 तक, है ना। वेन द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना बना तो उसने इस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। 1959 में 14 दलाई लामा जब वहाँ पर अटैक किया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया, तो बेटा हमारी कंट्री की तरफ भागे और इनको हमने यहाँ पर पीपल रिपब्लिक के चाइना से बचाकर एसाइलम दे दिया, हमारे पास है। चाइना ने इन्वेजन किया, है ना, दलाई लामा के कई वेव्स हुए, कई सारे रिफ्यूजीज यहाँ से आए और इससे चक्कर में कुछ ना कुछ रिलेशंस भी हमारे ख़राब हुए, पर इनको यूनाइटेड नेशन है, US है, इंडिया है, यूरोप, ये इनको सपोर्ट करते हैं और ये अपने साथ हैं। तिब्बत इंडिपेंडेंस जो थी 14th-18th सेंचुरी में रही, युआन डायनेस्टी के बाद तिब्बत को कंट्रोल किया गया, डिफेक्टो रूलर रहे हैं, मिलिंग डायनेस्टी बीच में आई बट इसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डोगरा डायनेस्टी में रूल किया, तो दलाई लामा का प्रॉपर रूल चलता है, बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते हैं, धर्मा की फिलोसफी को ये फॉलो करते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म की बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म डायनेस्टी है ये, इसके सेक्ट्स हैं नियाम, कदम, साक्य, बोध, कुयुग, जोंग, गिलुंग, रेमी, तो ये सारे हैं इसके जनरल बुद्धिस्ट के 3 मार्क्स हैं, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। संसारा धर्मा एंड कर्मा, इसको देखते हुए चलिएगा। फिर ये इनके प्रैक्टिस अटेनमेंट हैं जो बुद्धाहुड लिया है। इसके बाद इसकी मेजर मोनेस्ट्रीज हैं, ये सारी मेजर मोनेस्ट्रीज हैं जो आपको देखेंगे। फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, दलाई लामा, लामा एंड गेशा, ये 3 पोस्ट होती हैं। फिर फेस्टिवल्स हैं इनके, उनके बारे में, फिर इनके टेक्स्ट हैं, फिर इनकी आर्ट्स हैं, तो ये सारी यहाँ नहीं है, ये सारी आपको तिब्बत में मिलेगी। ये बेटा पोटला पैलेस है जहाँ पर दलाई लामा साहब रहते थे, ये 1959 में छोड़ दिए गए, आज ये म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी पर इनको छोड़नी पड़ी, तो लासा में आज भी ये तिब्बत की कैपिटल रही है कभी।
दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। दलाई लामा भाई पॉलिटिकल लीडर हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट चाइना बना तो ये इंडिया आ गए, यहाँ पे रह रहे हैं। हु वॉज दलाई लामा? दलाई लामा लैमो थॉ, इनका वॉज बॉर्न टू लैमो है ना थॉन्डुप 6 जुलाई 1935 को है ना टास्कर चाइना। ये 15 साल के थे जब इन्हें पॉलिटिकल पावर तिब्बत की मिल गई दलाई लामा की तरह। पीपल रिपब्लिक चाइना ने इन्वेट किया, अपने मरने के डर से थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स के साथ धर्मशाला चले गए, वहाँ रहने लगे और इन्होंने यहाँ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दी। दलाई लामा तब से न्यूमरस एक्शन ले चुके हैं ऑटोनोमस के लिए। तिब्बत स्टेट पीपल रिपब्लिक के चाइना के अंदर है, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट को अभी भी कोई साइन नहीं दिखता कि वहाँ पर पीस और रिकन्सिलेशन हो चुका है। दलाई लामा अभी भी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेक्चर देते हैं, वर्कशॉप देते हैं ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में, और इन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया गया था 1989 में, तो इन्हें पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। सेमी रिटायरमेंट इन्होंने दे दी अपनी 2008 में कि अब मैं किसी पॉलिटिकल पोस्ट में नहीं रहूँगा। लामो थेमो में ये पैदा हुए थे बेटा, नॉर्थ ईस्ट प्लेस है चाइना का, एक किसान के परिवार में पैदा हुए थे। ये हेड ऑफ़ द स्टेट स्पिरिचुअल लीडर बने और आज धर्मशाला में हैं और 50 साल से बैठे हुए हैं, सेल्फ गवर्नमेंट ये चला रहे हैं अपनी। लैमो 16 बच्चों में से 5वें नंबर पे पैदा हुए थे, ये 5वें नंबर के बच्चे थे और जिसमें से 7 मर चुके थे। ये 3rd दलाई लामा के बाद इनको सर्च में ढूंढा गया था और 13th दलाई लामा के बाद इनको फिर 14th दलाई लामा बनाया गया। दलाई लामा को री इंकारनेशन माना जाता है अवलोकितेश्वरा का, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट डिटी थे। दलाई लामा इनलाइटेंड बींग्स हैं और ये अपने पोस्टपोन करते हैं खुद की आफ्टर लाइफ को और रीबर्थ फिर से लेते हैं बेनिफिट के लिए। दे दलाई का मतलब क्या हो गया, जो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको रीबर्थ की साइकिल से मुक्त होना है, दलाई लामा ये डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा पैदा होंगे ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए। दलाई मीन्स होता है ओशियन, मंगोल में ग्यास्तो कम्स फ्रॉम तिब्बत वर्ड ऑफ ओशियन, तो ग्यास्तो का मतलब होता है। लामा जो है संस्कृत वर्ड गुरु से है, तो एक गुरु जिसके पास बहुत कुछ है, ओशियन ऑफ टीचर, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इनके पास डेप्थ नॉलेज है नॉलेज की। और 6th सेंचुरी में बुद्धिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे है ना। विद द बर्थ ऑफ सिद्धार्था गौतम बुद्धा ने रिलीजन प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, धीरे धीरे हर जगह पहुँच गया बुद्धिज्म। तिब्बत में 8th सेंचुरी में आया है ना रिलीजन की तरह, सुप्रीम बींग बन गया, बुद्धिज्म का सेंटर है। 4 बेसिक ट्रूथ हैं इनके, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट बिफोर आर लेफ्ट अनसेटिस्फैक्ट्री बाई ट्राइंग थिंग्स टू मेक लाइफ परफेक्ट, पीपल कैन नॉट रियलाइज देयर बेटर वे टू अचीव फुलमेंट बाई लिविंग वंस ऑन लाइफ विद विजडम एथिकल कंडक्ट मेंटल डिसिप्लिन पीपल हु रीच विद एनलाइनमेंट। इन्होंने कई सारे रूल्स दिए, हमारा सबका जीवन परफेक्ट नहीं है, हम सबको अपने जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें रियलाइज़ करनी चाहिए बेटर वेज कि हम अपनी चीज़ों को फुलफिल कर पाएँ, और एक लाइफ की खुद की विजडम होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना जिसके थ्रू इस चीज़ को इन्हें करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट की चीज़ें हैं जो यहाँ चलाते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट रीबर्थ की बात करते हैं, रिन्यूअल होता है। देखिए दलाई लामा री का इनकार्नेशन लेते हैं और कॉन्सियसनेस ला सकते हैं, अवेकनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल जलाई जाती है कॉन्सियसनेस के लिए कि आपको अगर अंदर से कुछ बुद्धिमत्ता नहीं है तो, और सेकंड फ्लेम जलाए देते हैं आंटिकल टू वेस्ट, उसी का आइडेंटिकल जलाई जाती है और ये उससे डिफरेंस नहीं होती। तो बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारी कॉन्टिन्यूअल जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिस्कवरी है ना, लाइफ और आफ्टर लाइफ अनडिवाइडेड रहती है। दलाई लामा कैसे बनते हैं, रिलीजियस एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 स्टार्ट हो जाती है ना, तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर, संस्कृत, मेडिसिन, बुद्धिस्ट फिलोसफी है ना। 5 अदर कैटेगरीज होती हैं जिसमें इन्हें परफेक्शन देना होता है, विजडम, मोनेस्टिक डिसिप्लिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक एंड है ना एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज है ना। एट द एज ऑफ 11 तिंजिन मेट हेनरिच हार, एन ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर हु बिकेम वन ऑफ हिज ट्यूटर, टीचिंग हिम अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, द टू रिमेन फ्रेंड अंटिल हैरिस डाइड इन 2006 एंड 1915। जब बेटा 15 साल के थे तो इन्होंने पूरी पॉलिटिकल पावर ले ली थी है ना, इनकी गवर्नरशिप बहुत शॉर्ट रही क्योंकि अक्टूबर में रिपब्लिक ने इस पर इन्वेट कर दिया। इन 1954 दलाई लामा वेंट बीजिंग फॉर पीस टॉक विद मायो एंड अदर चाइनीज लीडर। 59 में कॉन्टिन्यू हुआ सरप्रेशन इनका और चाइनीज ट्रूप ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। दलाई लामा और इसके क्लोजेस्ट एडवाइजरी वहाँ से भाग गए क्योंकि इन्हें पता था चाइनीज़ इनको मार देंगे और ये धर्मशाला में आके बैठ गए। तो जाहिर सी बात है इनके एक फ्रेंड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इनके जो इनके फ्रेंड हैं हेनरिच हैरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 साल की एज में इनको मिले थे, मॉनेस्ट्री में मिले थे तो एक बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है जो ये देते हैं।
इसके बाद पीपल रिपब्लिक चाइना दलाई लामा को के मूवमेंट को एक रिलीजियस मूवमेंट मानती है, और मोर रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि एक सेपरेटिस्ट ट्रेटर हैं, है ना, सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट हैं तिब्बतन रिबेलियन के, कॉन्फ्लिक्ट चाइना। चाइना ने जब इन्वेस्ट किया, दलाई लामा को पकड़ने के लिए कई एक्शन लिए गए, ठीक है। इन 1963 इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया तिब्बत के लिए, और रिफॉर्म डालने की कोशिश की, चार्टर ऑफ तिब्बत इन एग्जाइल, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ, मूवमेंट, ये सब इन्हें दे दिया गया, और तिब्बत आज से डेट में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना के चले। तो यहाँ पर सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेटर है जो करेंटली चल रहा है, एग्जाइल में गवर्नमेंट चला रहा है 1991 से, ठीक है। और पहले इसके प्रेसिडेंट थे शांगकियांग, ये हैं। तो इसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं, 14 दलाई लामा हेड थे इस पार्टी के, आज भी हैं, एग्जाइल पार्लियामेंट चलती है, 2 सितंबर 1960 से चल रही है, इसके एक प्रेसिडेंट होते हैं, लेपसांग तेंजिन इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, और ये एक हाईएस्ट पोस्ट है, हाई रैंकिंग ऑफिस होल्डर हैं। तो इसके बाद कैबिनेट है, कैबिनेट में भी नोटेबल पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट होती हैं जिसके लिए बनता है, ये एग्जाइल की गवर्नमेंट है जो रूल करती है। इनके फॉरेन रिलेशन की बात करेंगे, यूएस के साथ इनके रिलेशन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इनकी गवर्नमेंट को रिजिग्नेशन दिया था, ये भी हेल्प कर रहे हैं दलाई लामा को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी इनके साथ खड़ी हुई है ना, कई सारी यूके जैसी कंट्रीज़ भी इनके साथ खड़ी हुई हैं। अब इशू ये आता है कि भाई दलाई लामा इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास जाते हैं क्योंकि साउथ तिब्बत का पार्ट मानते हैं वो लोग, और दलाई लामा साहब भी इसी जगह घूमते हैं। इसका बेसिक रीज़न ये बेटा कि किसी भी कंट्री में कोई भी डिवीज़न होता है, तो अगर उसका कोई एंटी है जिसे सरकार मारना चाहती थी, उसे कोई एग्जाइल में रख लेता है और वो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, लेट सपोज हमारे यहाँ नक्सलिस्ट हैं, है ना, और नक्सलिस्ट में भी अगर कोई सेंट होता और वो हमारे यहाँ रहता, पर वो एक सिंबल तो बन जाता ना किसी चीज़ का, तो हम अपनी कंट्री के अगेंस्ट उसको खड़ा नहीं रहने देने चाहते। वैसे चाइना चाहते दलाई लामा मरे, बट एक इशू ये है कि दलाई लामा साहब तो जेन्युइनली बिल्कुल सही है, पीसफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉर बैटल की बात ही नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि गलती चाइना की मानी जाएगी यहाँ पर, और किसी की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चाइना ने ज़बरदस्ती तिब्बत को कैप्चर किया अपने ग्रीड के लिए। अगर कोई जेन्युइनिटी होती, जेनरसिटी होती, कर्टेसी दिखाते तो समझा जाता था, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, तो एक इशू इनके सामने हमेशा रहता है। दलाई लामा की हिस्ट्री में इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत है तो इसे डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने का आप रीज़न हमें ज़रूर बता सकते हो। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।